हेलो गाइज, वेलकम टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो से जुड़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिंपल सा बस ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे YouTube शॉर्ट्स के लिए या फिर Instagram YouTube शॉर्ट्स के लिए आप लोग कैसे प्रीमियर प्रो पे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्टिकली एक्सेप्ट करता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं बता, बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगर आप लोग ये सीख जाओगे तो बहुत ही सही हो जाएगा। आपको सबसे पहले प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करना है। तो प्रीमियर प्रो जब आप कर लेंगे, जब प्रीमियर प्रो आपके पास होगा, तो आपको सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। न्यू प्रोजेक्ट आप ओपन करने के लिए यहाँ पर पूछेगा नेम। नेम में आपको लिखना है, जैसे कि हम यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए ये हम कर रहे हैं, तो यूट्यूब शॉर्ट्स हम लिख देंगे। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पे चाहिए। मतलब यहाँ पे चाहिए, ये मेरी लोकेशन है, तो मैंने यहाँ पर इसे कर लिया। और इसे जस्ट आपको ओके कर देना है, ठीक है। ये आप कर लेंगे। यहाँ पर ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट पैनल, जहाँ पर हमें अपनी वीडियो डालनी है। आप वीडियो कहाँ से डालनी है आपको, आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, जहाँ पर भी आपने रिकॉर्ड करके रखी हुई है फुटेज, आप वहाँ पे जाइए। जैसे मेरी सारी फुटेज जो होती है वो OBS रिकॉर्डिंग से मैं करता हूँ, तो OBS में मेरी काफ़ी सारी, मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई हैं, आप लोग देखते ही होंगे। तो ये मेरे OBS का एक रिकॉर्डिंग वो है, ये मैंने आज बनाई थी। तो ये वाला हम लेते हैं फाइल और इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आ जाएगी। अब ये जो आप अगर देखोगे, अगर मैं इसकी अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको क्या है कि आप यहाँ से नॉर्मली जाके सीक्वेंस बना सकते हो, बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, भाई नहीं पता होता हर किसी को। तो सिंपल एंड सही रास्ता बताता हूँ। यहाँ पर इस पर राइट क्लिक कीजिए, वीडियो पे न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप कीजिए, तो ये सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। इसको आप डिलीट कर दीजिए भले, बट ये आपकी वीडियो आप जब देख रहे हो, तो ये वीडियो जो है, ये हमारी वीडियो हॉरिजेंटल में है, हमें इसे करनी है वर्टिकल में। वर्टिकल में हम कैसे करेंगे, सीक्वेंस पे जाइए। सीक्वेंस पे जाने के बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीक्वेंस सेटिंग का ऑप्शन होता है, आपको इस सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशियो ये हमें चेंज करना है। यहाँ पर 1920x1080p है ना, हमें कुछ नहीं करना, इसका उल्टा कर देना है 1080p और यहाँ पर लिखना 1920p। तो जैसे आप ये लिखोगे तो 9:16 हो जाएगा। एक नहीं तो वैसे 16:9 होता है, बट हमें 9:16 हो गया और हमें इसे ओके कर देना है और दोबारा ओके कर देना। तो ये हो गए भाई हमारी वर्टिकल में। अब बस हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना है, इसका फाइल साइज। अभी कैसे करेंगे, वो इफेक्ट कंट्रोल में जाइए, मोशन पे जाइए और यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से 100 है, इसको ड्रैग करिए साइड में और ये हो जाएगी हमारी बड़ी। ये लीजिए जी। और आप अब इसे अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको एडिट करना है, जैसे भी करना है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बात आती है कि इसे आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसे कंट्रोल एम दबाना है। कंट्रोल एम से क्या है कि एक्सपोर्ट का ऑप्शन खुल जाता है। अब आपको यहाँ पे हाई बिटरेट मिलता है और एक मिलता है एडेप्टिव हाई बिटरेट। तो आपको ये करना है, क्योंकि इसकी फाइल साइज भी बहुत हाई होती है और क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच आती है। तो आपको ये करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यूज मैक्सिमम ये वो कुछ नहीं करना, बस आपको लोकेशन डिसाइड करनी है कि आपको कहाँ पे ये करना है। तो मेरी जे लोकेशन में मैंने ट्यूटोरियल का एक फोल्डर बना रखा है और यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये वीडियो यहाँ पर रेंडर हो जाए। मैंने इसे सेव किया और इसे एक्सपोर्ट किया। थोड़ी देर में ये एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है गाइस, कोई बहुत बड़ा झोल नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से मैंने आपको उतनी जल्दी सिखा दिया। तो आप लोग भी आराम से कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। और ये देखिए, जैसे ही मैंने अपना ये ट्यूटोरियल वाले उस पर गया और ये मेरी वीडियो यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है। आप लोग अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, ये आगे वर्टिकल में पूरी की पूरी वीडियो, ये देखिए। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है गाइस, अब बस इसे आप अपने अपलोड कीजिए। और शॉर्ट्स आजकल इतना चल रहा है तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड 10K के मतलब जल्दी करवा दो गाइस। एंड सी यू देन, बाय गाइस, लव यू।